जी द टॉपिक नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ व्हील ऑफ़ रिटेलिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेट मी टेक यू थ्रू वन ऑफ द की डायग्राम्स व्हिच विल रियली रिफ्लेक्ट अबाउट द व्हील ऑफ़ रिटेलिंग हमारे पास अगर आप नोटिस करें तो देर आर थ्री फेजिज विच नॉर्मली यू विल सी इन दिस टेबल और इन दिस डायग्राम सबसे पहला फेज इज़ द एंट्री फेज

लिमिटेड तरीके से मैनेज कर रहा है जो सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है वो भी लिमिटेड है जो फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रहा है वो भी लिमिटेड है और जो प्राइसिंग ऑफर कर रहा है वो भी बिल्कुल एक लो लेवल की प्राइसिंग ऑफर कर रहा है जब हम सेकेंड फेज़ की बात करते हैं विच इज ट्रेडिंग अप फेज इस केस के अंदर जो कस्टमर रिटेलर को जो ऑफर किया जाता है वो मॉडरेट टू हाई प्राइसिंग है सर्विसेज फैसिलिटीज बेहतर हैं एज़ कंपेयर टू एंट्री फेज विच मीन्स देर आर इंक्रीज इन सर्विसेज़ एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन एंट्री फेज़ से बेहतर इसी तरीके से जो फेसिलिटीज़ हैं कस्टमर को और बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है इस तरह के रिटेल स्टोर के अंदर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग आप फेज़ के हवाले से तीसरा फेज़ हमारे पास है वलरबिलिटी फ़ेज़ के जब हम वलरेबिलिटी फ़ेज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली प्राइसिस कंपेरेटिवली हाई हैं क्योंकि कस्टमर एक काइंड ऑफ बेहतर प्रोडक्ट ले रहा है कस्टमर एक बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट ले रहा है एक बेहतर जगह से प्रोडक्ट को बाई कर रहा है एक्सेलेंट फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहा है एक्सेलेंट सर्विसेज को अवेल कर रहा है तो जब कंपैरिजन करेंगे एंट्री फेज से इस फेज का तो वहां पर इट इज़ ऑलमोस्ट अपोजिट विच मीन्स लो प्राइस वर्सेस हाई प्राइसिस लिमिटेड फैसिलिटीज वर्सेस एक्सेलेंट फैसिलिटीज स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज लिमिटेड सर्विसेज से एक्सिलेंट सर्विसेज विच मींस ऑल कस्टमर रिटेल एक्सपीरियंस एक्सेलेंट कस्टमर रिटेल एक्सपीरियंस इस तरह के फेज़ के अंदर तो इन ये तीन फेजेज़ हैं हमारे पास जो कि कनेक्ट करते हैं और एक व्हील ऑफ़ रिटेलिंग क्रिएट करते हैं लेट मी गिव यू एन अदर व्यू ऑफ दिस व्हील ऑफ़ रिटेलिंग अगर हम बात करते हैं ट्यूरेशन बिटवीन अट्ठारह सौ नब्बे से लेकर उन्नीस तक के पीरियड के अंदर जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे या डिपार्टमेंट स्टोर्स थे दे वर कंसिडर टू बी इन द कैटेगरी विच वॉज लो प्राइसिंग लो सर्विसेज लो फैसिलिटीज जिसकी हमने बात की एंट्री फेजेस वाले स्टोर्स जबकि जनरल स्टोर्स और मिसलिनियस स्मॉल रिटेलर्स दे वर कंसिडर टू बी एट द टॉप साइड विच मीन्स हम बात कर रहे हैं जो कि दे वर ऑफरिंग ऑफर नॉर्मली ऑफरिंग टू द कस्टमर हाई प्राइसिंग एक्सलेंट सर्विसेज एक्सपेंसिव सर्विसेज और एक्सपेंसिव फैसिलिटीज़ और एक्सपीरियंस फैसिलिटीज़ तो रिजल्टेंटली जब हम अगले फेज के अंदर आए यानी कि ड्यूरेशन बिटवीन 1955 टू नाइनटीन सेवेंटीज़ तो जो डिस्काउंट स्टोर्स थे दे वर द वन जो कि उस कैटेगरी के अंदर आए, जो के के है जो कि एंट्री फेज की कैटेगरी कहलाती है विच मीन्स जहाँ पर लो प्राइस कस्टमर को ऑफर की गई लो फैसिलिटीज़ थी और नॉर्मली लो सर्विसज थी बिकॉज कस्टमर का फोकस डिस्काउंट स्टोर के ऊपर ये था कि वो लोएस्ट प्राइसिस वहाँ जाकर बाय कर सके और डिपार्टमेंट स्टोर्स वो हाई कैटेगरी के ऊपर चले गए ये शिफ्ट था उस ड्यूरेशन के अंदर कि जहाँ पर डिपार्टमेंट स्टोर पर कंसिडर टू बी द प्रीमियम सेलर्स प्रीमियम रिटेलर्स के यहाँ पर आप जाएंगे यू विल गेट हाई प्राइसेस बट यू विल गेट एक्सलेंट क्वालिटी यू विल गेट एक्सलेंट प्रोडक्ट यू विल गेट एक्सलेंट प्राइसिंग इन टर्म्स ऑफ लेट्स से प्रीमियम प्राइसिंग और यू गेट एक्सेलेंट सर्विसेज एक्सेलेंट फैसिलिटीज सारी चीज़ें बेहतर डिपार्टमेंट स्टोर के परस्पेक्टिव में फिर तीसरा फेज आया नाइनटीन और इसके बाद जहाँ पर आज के दिन में ऑनलाइन रिटेलर जो है वो एंट्री फेस के ऊपर बैठा है और ऑनलाइन रिटेलर जो है वो कंसिडर टू बी कि ये लो प्राइसिंग ऑफ़र करेगा कोई बहुत ज़्यादा सर्विसेज ऑफ़र नहीं करेगा कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऑफ़र नहीं करेगा इट इज़ एट दी बॉटम उसके ऊपर मौजूद है हमारे पास कैटेगरी किलर्स ये वो है जो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के हवाले से रिस्पॉन्सिबल हैं और उस कैटेगरी को नॉर्मली अगर आप देखते हैं और उस कैटेगरी के ऊपर बेस्ट डिस्काउंट्स ऑफ़र करते हैं थर्ड फेज़ की बात करते हैं विच इज़ नाइनटीन और इसके बाद का ड्यूरेशन ये वो टाइम है जहाँ पर ऑनलाइन रिटेलर लो प्राइसिंग लो फैसिलिटीज लो सर्विसेज वाले फॉर्मेट के अंदर क्वालिफाई करता है इसके बाद हमारे पास कैटेगरी किलर्स हैं ये वो लोग हैं जो कि स्पेसिफिकली अगेन बात करते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर एक्सेलेंट सर्विसेज लेकिन एट द सेम टाइम एक्सेलेंट प्राइसेस फोकस्ड किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के हवाले से और अगर आप टॉप के ऊपर देखें तो हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जो कि आज के दिन में भी इसी तरीके से मौजूद हैं जो कि प्रीमियम प्राइसिंग के साथ मौजूद है प्रीमियम सर्विसेज प्रीमियम फैसिलिटीज़ वही तीसरा फेज़ ऑफर करें तो हमारे पास अगर आप देखें ग्रेजुअली सो डिपार्टमेंटल स्टोर इन अर्ली नाइनटीज़ नाइन नाइनटीन हंड्रेड्स अगर आप देखेंगे तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर एंट्री लेवल फ़ेज़ के ऊपर था जो कि मूव होके चला गया है नाच के दिन में इस लोकेशन के ऊपर जो कि हमारे पास प्रीमियम कंसिडर किया जाता है और जबकि स्टार्टअप के तौर पे अगर हम बात करते हैं एंट्री लेवल फ़ेज़ की बात करते हैं तो ऑनलाइन रिटेलर जिसका मैंने बताया है। और ये आज के दिन में भी कस्टमर की बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन है ऑनलाइन रिटेलर से या कैटेगरी किलर से ये वो हैं कि जो के लो प्राइसेस कस्टमर को ऑफ़र करते हैं और कस्टमर यहाँ पर बाय करता है ऑनली बिकॉज ऑफ प्राइस इसको जल्दी से मैं एग्ज़ाम्पल की तरफ भी लेकर आता हूँ अगर हम एंट्री लेवल की बात करते हैं सबसे पहला एंट्री फ़ेज़ की बात करते हैं तो हमारे पास जिस तरह से न्यू डिस्काउंटर है ऑनलाइन स्टोर प्राइस लाइन डॉट कॉम या इसके अलावा और भी कोई लेट्स से वी इज़ ऑफरिंग डिस्काउंट आला ऑफर डॉट पी के आला ऑफर डॉट कॉम ये वो हैं जो कि एंट्रेंट हैं मार्केट के अंदर और डिस्काउंटिंग फैसिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं डिस्काउंटिंग ऑफर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और कस्टमर को लो प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं अगेन मिड ईयर के अंदर अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग अप फेस के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के स्टोर्स मौजूद हैं फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर जिसकी एग्जाम्पल वॉलमार्ट की है हमारे पास मौजूद ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर मैकीज़ की एग्जांपल है और अगर हम बात करते हैं हाई एंड के ऊपर जो कि एक रिटेलर की हाई एंड एग्जांपल के तौर पे तो प्रस्टीज डिपार्टमेंट स्टोर्स के हवाले से नेमन की है मार्कस नेमन मार्कस की हमारे पास वेरी गुड एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास चार एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं जो कि हमारे पास एक व्हील ऑफ़ रिटेलिंग को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है स्टार्टिंग फ्रॉम दी बिल्कुल बेसिक फेज एंट्री फेज वेयर देयर इज़ अ डिस्काउंटर वेयर इज़ अ न्यू डिस्काउंटर वेयर दर इज़ अ न्यू एंट्रेंट जो कि प्राइस बेस्ड है और देन देर इज़ अ प्रिस्टीजियस डिपार्टमेंटल स्टोर जो कि प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहा है और कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस और फैसिलिटीज ऑफ़र कर रहा है